19 अगस्त तेलंगाना आवाम के लिए अहम दिन माना जा रहा है। 19 अगस्त को तेलंगाना में घरेलू सर्वे किया जा रहा है। 19 अगस्त को सर्वे के दिन तेलंगाना में आम तातील रहेगी। 19 अगस्त के रोज शुमार कनिंदा हर घर पहुंचकर घर वालों की तफसीलात हासिल करेगा। मियारे ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल की जाएगी। किराए का मकान है या ज़ाती मकान, इस बारे में मालूमात हासिल की जाएगी। तालीमी काबिलियत, आमदनी, जायदाद के बारे में मालूमात हासिल की जाएगी। इस सर्वे में मुकामियत, नेटिविटी, तालीम, आमदनी, जायदाद वगैरह के बारे में भी मालूमात हासिल की जाएगी। जुमला 18 दस्तावेजात सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। 18 डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह हैं: वाटर बिल, LPG कनेक्शन कार्ड, पेड प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक अकाउंट पासबुक, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लैंड पासबुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल फ़ोन बिल, पैन कार्ड, हाउस डॉक्यूमेंट कॉपी, हाउसिंग स्कीम अलॉटमेंट ऑर्डर और पेंशन बुक कॉपी। इस सर्वे के ताल्लुक से डिप्टी CM जनाब महमूद अली ने वजाहत की। महमूद अली ने कहा, ये सर्वे कराने का मकसद मुस्तहिक अफराद तक सरकारी स्कीमों को पहुंचाना है। जनाब महमूद अली ने वजाहत की, सफ़ेद राशन कार्ड, फी रिम्बर्समेंट स्कीम, हेल्थ स्कीम और दूसरी स्कीमों को मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। जनाब महमूद अली ने सर्वे के ताल्लुक से अवाम से परेशान ना होने की अपील की है और अवाम से ताउन करने की अपील की है। जो 19 का जो सर्वे हमारा, ये बहुत अहम सर्वे यही है कि हमारे खजाने की रकम गरीब आदमी तक पहुंचे। आज बड़े बड़े मोटर मशीन है तो लोग बच्चों को ड्राइवर से सिखाते हैं, पर फीस रीइंबर्समेंट लेते हैं, फीस से बच्चों का स्कॉलरशिप लेते हैं और वाइट कार्ड के जरिए पूरे पूरे जो गवर्नमेंट का मराठ है वो हासिल करते हैं। ऐलान के बाद तकरीबन 6 लाख के करीब कार्ड लोग लाकर रिटर्न कर रहे हैं कि हम गलती से ले चुके थे कि कार्ड वापिस करना चाहते हैं। हमारे CM साहब का यही है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यही चाहते तो घटाने की रकम हकदार को हम मिलना चाहिए। तो लोग ऑलरेडी दौलतमंद है, पूरे देश से मराठ मिलेंगे तो फिर हमारी दौलत उन दौलतमंद लोगों को जाएगी जो कि बिल्कुल लाइन चाहते हैं। घटाने की रकम के टैक्स में वसूल की जाती है तो हमारा यही मकसद है वो गरीब आदमी को इंसान चाहिए। इसके लिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पब्लिसिटी कीजिए। कुछ लोगों में डाउट है तो कुछ लोग इमरजेंसी सर्विस करते हैं, कुछ लोग बाहर के मुमालिक में, कुछ लोग दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं। उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फॉर्म में लिखा जाएगा। वो इदारा से कहा सऊदी में काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं, अगर इदारा यहाँ नहीं रहते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, वही लिखना पड़ेगा और उनका नाम का जरूर इंदराज किया जाएगा। और एक बात यह है कि राशन कार्ड के बारे में खासतौर से राशन कार्ड भी हम दूसरा देना चाहते हैं, व्हाइट कार्ड हो, पिंक कार्ड हो, ताकि लोग हमको अंदाजा आ सके किस आदमी को व्हाइट राशन कार्ड की जरूरत है, किस आदमी को पिंक राशन कार्ड की जरूरत है। आज बहुत से लोग हमारे पास 44 लाख फैमिली से 1 लाख तक जा रहा है तो व्हाइट राशन कार्ड है। लोग हर जगह जहाँ बीमार होने से पहले आप पहले के दौर में इतने 24 आवर्स कार्ड बन जाता था और सरमाएदार लोग उसे उसकी स्कीम से इस्तेमाल कर सकते थे, वो स्कीम गरीबों के लिए बनाई गई थी। इसलिए हम यही चाहते हैं और खासतौर से इलेक्ट्रिसिटी का बिल की बात की जा रही है, हम सिर्फ नंबर चाहते हैं, जिसके पास लाइट है, जिसके पास नहीं है तो उसे फिर हमारी जिम्मेदारी है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहिए। उसी तरह बैंक अकाउंट का नंबर चाह रहे हैं, उसे यही जानना चाह रहे हैं किसके पास बैंक अकाउंट है, किसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ताकि उसको अकाउंट खोलने की सहूलत दी जाए। हम बाथरूम के सिलसिले में जानना चाहते हैं, बहुत से कर्मचारियों में लोगों के घर में बाथरूम भी नहीं है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसके घर में बाथरूम है, किसके घर में नहीं है, ताकि उनको हम बाथरूम बना के दे सके। इस कार्ड से जो बना रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई लोग बच्चा रहे, लोग मुझसे कई सवाल करते हैं लोग कि हम परेशान हैं, हमारा बच्चा बाहर है, हमारा शहर दिल्ली में काम करता है, हमारा शहर बॉम्बे में काम करता है, हम वहाँ पर काम करते हैं। इन लोगों से आप जरूर अपने कलम के जरिए इन लोगों को एक बार बताइए, ये सिर्फ यही हमारा मकसद है कि गरीब आदमी को इस स्कीम से, इस खजाने से जो हम टैक्स वसूल करते हैं वो टैक्स से गरीब आदमी की मदद हो सके, ना कि दौलतमंद की मदद हो सके। और दूसरा कोई मकसद नहीं है सर्वे करवाने का। उधर हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत से कहा है कि वो सर्वे को लेकर अवाम पर दबाव ना डालें और ज़बरदस्ती ना करें। हुकूमत ने वजाहत कर दी कि सर्वे रजाकाराना तौर पर किया जा रहा है और महज सरकारी स्कीमों को मुस्तहक अफराद तक पहुंचाने के मकसद से किया जा रहा है। मोहम्मद अजीमुद्दीन की रिपोर्ट,
हैदराबाद न्यूज़ urdu.com